Be happy. Don't panic. Be careful. Be safe. Be a warrior. We will fight together and win. तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, इसी के साथ हम दिन की शुरुआत करते हैं और आज के मौसम का मिजाज क्या है वो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी ये देखो, लगता है रात को पानी काफ़ी बरसा है और ये अगर मानसून की बारिश होती ना तब तो बहुत खुशी होती है, लेकिन ये बारिश है तूफ़ान की वार्निंग, जो कि साइक्लोन की आई हुई है उसके चक्कर में बारिश है, हवाएँ चल रही हैं खूब ज़्यादा, तो थोड़ा सा चिंता का विषय हो जाता है ये। पर चलो, हर चीज़ से हमें लड़ना ही है, फाइट करनी है, तो कोई बात नहीं, बस गॉड से प्रे करते रहो, वो सब कुछ ठीक करेंगे। लास्ट ईयर भी इसी तरह से आया था तूफ़ान, लेकिन जो ज़्यादा कोस्टल एरियाज़ हैं उनको ज़्यादा सतर्क रहना पड़ता है, केयरफुल रहना पड़ता है। तो अभी ये देखो कितनी हवाएं चल रही हैं, है ना, और बारिश भी हो रही है। हो सकता है इस बार भी पिछली बार की तरह तूफ़ान सिर्फ टच करे और चला जाए, भगवान करे उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाए। और दिन देखो कितना अच्छा निकल रहा है, जब पहाड़ों पर से ऐसे रोशनी। चलो, हम उसका शुक्राना करते हैं भगवान का कि एक नए दिन की शुरुआत उन्होंने हमें और दिखाई एक नए दिन के साथ। तो मैं चाय पी रही हूँ और स्टे विद मी। ये देखो बारिश अभी कितनी तेज़ शुरू हो चुकी है। सुबह मैंने आपको दिखाई थी, अब थोड़ी देर बाद का हाल ये है कि बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई है। आज के लिए जैसे रेड अलर्ट की चेतावनी है, भगवान से होप करते हैं कि बहुत ज़्यादा ना हो। कुछ मौसम में चेंज आया है, जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी, बट ज़्यादा तूफान नहीं आना चाहिए। अभी तो बहुत तेज़ बारिश शुरू हो चुकी है। और सुबह से मौसम का मिजाज इतना ज़्यादा ख़राब हुआ पड़ा है ना कि बता नहीं सकते। सुबह से लगातार खूब बारिश बरस रही है और अभी भी देखो बीच बीच में ऐसे आवाज़ें आने लगती हैं कि बस आप डर ही जाओ। तो अभी मैं दिखाती हूँ सुबह का तो सीन आपने अभी देखा, और अब देखो दोपहर तक क्या हाल हो गया है। दोपहर के अभी तो शाम के 4 बज गए हैं, तो 4 बजे तक सुबह से लगातार बरसा जा रहा है पानी। इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है ना, थोड़ा सा डर भी लगने लगता है कि क्या होने वाला है। और अभी तो 2 दिन और का वो है रेड अलर्ट, और ये आप देख ही सकते हो, ये देखो गमलों में कितना पानी हो गया है। इतना बारिश हो रही है कि खिड़की में से भी पानी टपक टपक के अंदर आ रहा है। मैंने ये इसको रख के थोड़ा आपको दिखाती हूँ, अगर खोल सका तो। काफ़ी पानी आ रहा है, बंद ही कर दिया जाए। ये गमले भी बिल्कुल भर गए हैं। सुबह आपको दिख रहा था ना दूर तक की पहाड़ियाँ कितनी अच्छी साफ, और अभी देखो यहाँ से देखती हूँ कि अगर कुछ दिख सकता है तो।
पेड़ पौधे और कैसे पत्ते गिरे पड़े हैं, सड़क का बुरा हाल हुआ पड़ा है। पेड़ों के हिलने से आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी तेज तूफान चल रहा है। तो बैठे हैं अभी, पहले एटलीस्ट खिड़की दरवाजे खोल सकते थे और हवा मिलती है बाहर की, लेकिन अभी तो वो सब भी बंद, बिल्कुल ही अंदर बंद हो गए हैं। कुछ कोविड ने किया था, कुछ इस तूफान ने। तूफान की रफ्तार देखो, ये पेड़ के हिलने से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितना तेज़ तूफान आ रहा है। मंदिर के ऊपर जो बड़ा पेड़ था वो सब टूट गए हैं, नीचे गाड़ियों वगैरह के ऊपर गिर गए हैं, लोगों की गाड़ी स्कूटर सब खड़े होते हैं। ये देखो आज तो मालूम नहीं तो ये तूफान अपना क्या मिजाज दिखाने वाला है। तो सुबह से जैसे कि आप देख रहे हैं कि बाहर का मौसम कितना ज़्यादा ख़राब हो रहा है ना, और बारिश खूब हो रही है, नेट चला गया है, इंटरनेट चल नहीं रहा, इसलिए टीवी भी नहीं चल सकता। तो अभी करने के लिए कुछ है नहीं। मैं अभी बैठी हुई थी बाहर खिड़की के पास और लैपटॉप पे कुछ थोड़ा बहुत काम कर रही थी, तो कहीं से खिड़की में से खुशबू आई हलवा बनने की, तो मेरा भी मन कर गया कि मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी बना लूँ। लेकिन मैं जो बनाने जा रही हूँ वो आटे का हलवा बनाऊँगी आज, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको भी साथ शामिल कर लिया जाए इस हलवा बनाने में। तो आटे का हलवा जो कड़ा प्रसाद होता है, स्पेशली जो गुरुद्वारे में मिलता है, तो ठीक है अभी शुरुआत करते हैं, बात करते हैं। उसके लिए जिस एक ही मेजरिंग कप आपने रखना है जिससे कि सब चीज़ें मेजर करनी है, ठीक है। इस एक कप में, क्योंकि आटा एक कप आटा लूँगी, तो इसीलिए मैं एक कप इसमें चीनी पहले डाल रही हूँ। पहले चीनी की चाशनी अलग से बना के रखी होंगे। ये एक कप, और अगर आप कम चीनी खाते हैं तो आप उसे कम भी ले सकते हैं। तो मैं पूरा एक कप तो नहीं, आटा पूरा एक कप लूंगी, लेकिन 3/4 कप मैंने शुगर ली है, क्योंकि बहुत ज्यादा मीठा हम लोग कम खाते हैं, जनरली वैसे इक्वल डाला जाता है। अब एक चीनी के लिए, एक कप चीनी के लिए 2 कप पानी लिए जाएंगे इसमें। ये 2 कप पानी लिया है और 3/4 कप मैंने शुगर लिया था, डबल पानी, ठीक है। और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको तब तक मिक्स करना है जब तक कि इसका मतलब चाशनी नहीं बनानी, बस अच्छे से चीनी खुल जानी चाहिए उसके अंदर। खोलने के बाद फिर हम आटा वाले उसमें प्रोसेस में काम करेंगे। मैं ये देखो ये बिल्कुल अब ऑलमोस्ट खुल गई है, पानी गर्म हो चुका है, तो चीनी इसमें खुल गई है। मैं गैस कर रही हूँ ऑन, और इसमें थोड़ा सा अच्छा सा कलर लाने के लिए और इसकी फ्रेग्रेंस अच्छी लाने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा केसर भी, थोड़े से स्ट्रेट केसर के डाल देती हूँ, तो पानी में कलर भी आ जाएगा और जब हम हलवे में इसको डालेंगे तो इसकी अच्छी सी फ्रेग्रेंस आएगी। क्या ये वाला हलवा बनाना ना आप लोग बनाकर ज़रूर खाना, और क्योंकि कई बार होता है ना मीठा खाने को मन करता है तो बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। एनी वन कैन मेक, और सब चीज़ आपकी घर में अवेलेबल भी होती है। तो अभी ये खुल गया है और इसको मैं रख देती हूँ साइड में। अब हम दूसरा पैन लेंगे जिसमें कि मैं सेम कप से 1 कप आटा ले लूँगा। ये हमने 1 कप आटा लिया। अभी इसमें मैंने घी नहीं डाला है। सबसे पहले क्या करा जाएगा, इस आटे को सूखा भूनेंगे थोड़ी देर के लिए, 2-1 मिनट के लिए, इसमें बहुत अच्छी सी ताकि खुशबू आने लगे, और बंद कर देंगे तो उससे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी आटा हलवा बनता है अगर पहले से आपने भून के रखा हो तो, ठीक है। थोड़ी खुशबू आने दो,
इसका कलर नहीं चेंज करना है, कलर ब्राउन नहीं होना चाहिए, बस इतना भूनना है कि बस थोड़ी स्मेल आ जाए। इसमें रेशियो क्या होता है, जितना आटा उतनी चीनी और उतना ही घी और पानी जो है वो डबल। थोड़ा पहले से भुना हो ना तो बहुत अच्छा टेस्ट बनता है। बस अब इसकी खुशबू आने लगी है, मैंने कर दिया गैस बंद और इसको हम निकाल लेंगे प्लेट में। प्लेट पे मैंने इसको, ये कलर देखो बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है इसका, बस हल्की खुशबू आने तक थोड़ा सा हमने इसको भून दिया था। बस से उसी पैन के अंदर इसको मैं इधर साइड में रखती हूँ। वापस से उसी पैन के अंदर हम 3/4 कप, अभी पहले वैसे 1 कप डलता है लेकिन अभी पहले मैं 3/4 कप घी लेने वाली हूँ, फिर बाकी भूनते हुए बाद में जब बन जाएगा तब डालेंगे तो बिल्कुल वैसा ही कड़ा प्रसाद जैसा टेस्ट आता है। गैस वापस जलाई, 3/4 कप इसमें हमने घी डाला। और आप कम घी पसंद करते हो तो कम भी डाल सकते हैं। अभी घी के गरम होते ही इसमें मैंने लिए हुए थे 6-7 दाने काजू और बादाम के, इनको थोड़ा सा भून लेंगे, भून के बाहर निकालेंगे। और किशमिश बाद में डालूंगी क्योंकि वो थोड़ा जल्दी वो भून जाती है, तो पहले हम इसको करेंगे फ्राई। बस कलर ब्राउन आते ही इनको हमने निकाल लेना है बाहर, थोड़े ब्राउन हो चुके हैं। आज सोचा रोज आपको नमकीन देख देख के बोर हो गए होंगे तो आज कुछ मीठा हो जाए। अब मैं डालने लगी हूँ इसमें थोड़ा सा देर, किशमिश को बहुत ज़्यादा देर नहीं करना क्योंकि वो बहुत जल्दी हो जाती है, बस डालते ही इसको निकाल लेना है। देखो फूल भी गई, गैस मैंने कर दी अभी बंद ताकि निकालने तक वो जल ना जाए। ये सब हमारे ड्राई फ्रूट्स तो हो गए तैयार। अब वापस से गैस चलाई, घी तो ऑलरेडी है गरम और इसमें मैं वापस ये जो आटा भून के रखा था इसको वापस डाल देंगे, जब तक अच्छा सा डार्क ब्राउन कलर ना आ जाए। ये कड़ा प्रसाद होता है, इसका कलर बहुत ज्यादा डार्क ब्राउन होता है, पानी डालने के बाद फिर वो लाइट हो जाएगा, तो इसलिए अच्छे से पहले इसको भून लेंगे। मीडियम पे रखा है फ्लेम और लगातार चलाते रहना है, जलना नहीं चाहिए। मुझे तो खुशबू आने लग गई है, आप लोग को भी आ रही होगी, इसलिए जाके जल्दी से बनाओ लेकिन पूरी रेसिपी देखने के बाद। और आटा गर्म बहुत होता है इसलिए बी केयरफुल। देखो ब्राउन होना शुरू हो चुका है, थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर आ जाना चाहिए, फिर इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी का देखो कलर कितना अच्छा आ गया है इसमें, जब मैंने केसर डाला था तो। कलर बहुत अच्छा आ गया है ब्राउन, डार्क ब्राउन। अब मैं इसमें पानी मिलाने लगी हूँ, लेकिन पानी मिलाते हुए गैस को या तो आप बिल्कुल सिम कर दो, थोड़ा ध्यान से करके और धीरे धीरे डालना है और साथ में मिलाते रहना, नहीं तो गाढ़ बन जाते हैं। हो गया ना बढ़िया से, अभी मैं इसको बंद कर रही हूँ ताकि मैं इसको जो
मैंने ड्राई फ्रूट्स करके रखे थे उनको मैं छोटा काट सकूं और फिर मिक्स कर सकूं। ये गाढ़ा हो चुका है, लेकिन एक स्पेशल ट्रिक और बताऊंगी जिससे कि बिल्कुल कड़ा प्रसाद जैसा लगेगा। इसमें हम और घी ऐड करेंगे, ठीक है? तो सारे इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स, क्योंकि ये डालने के बाद अब इसके अंदर थोड़ा और घी डालेंगे जिससे कि इसका बहुत ज़्यादा सिल्की सा टेक्सचर दे। वैसे भी ये देखो कितना स्मूथ हो गया है, आराम से पैन को छोड़ रहा है। तो हम इसके अंदर और थोड़ा घी ऐड करेंगे। अगर आप कम घी खाते हैं तो आप कम घी कर सकते हैं। अभी मैंने एक चम्मच इतना किया और उसको साथ साथ चलाते रहना है और गैस ऑन है उसको सिल्की सा टच देने के लिए। एक चम्मच में और डाल रही हूँ, दो चम्मच डाल दिया बस, बहुत है। फिर अच्छे से हिला लिया इसको। वो भी अच्छे से इसमें मिक्स हो गया है। अब बारी आती है उसको प्रेजेंट करने की। जब बारिश का मौसम होता है ना, गरम गरम हलवा, पकौड़े वगैरह, ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। पकौड़े तो नहीं बनाऊंगी अब मैं, काम मेरा ही बढ़ जाएगा। ही बनाया जाएगा, इतना सिल्की सा इसका टेक्सचर आया है। और खा के तो और ही मजा आएगा, कितने आराम से पैन को छोड़ रहा है ये। बस ये है कि ये घी में बहुत रिच होता है, तो अगर आप डाइट कॉन्शियस हैं तो आप घी उसको थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। और अब मैं इसको थोड़ा सा डेकोरेट करती हूँ। वैसे तो ऑलरेडी हमने इसके अंदर डाले हुए थे, काजू खाने के लिए तैयार है। आपको अच्छा लगा होगा और आप इंजॉय करेंगे, और जब भी बनाएंगे तो मुझे जरूर बताना। और अब मैं इसको खाने वाली हूँ। अभी भी वही हाल है और अब सोने का टाइम हो चुका है, अब मैं सोने लगी हूँ। बाय बाय, टेक केयर। आप लोग भी अपना पूरा ख्याल रखिएगा। ओके।